नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में सुबह सुधार देखा गया है। हालांकि गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात में शहर में हुई बारिश के बाद कुछ स्थानों पर AQI में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही दिल्ली के कई इलाकों में AQI 100 से नीचे पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण से बचने के लिए सरकार की कृत्रिम बारिश की तैयारियों के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। इसमें मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ गया है। दिवाली और धनतेरस के लिए हो रही है जमकर खरीदारी और बाजार भी गुलजार नजर आ रहे हैं। लोग नए कपड़ों से लेकर घर को सजाने का सामान खरीदने में जुटे हुए हैं। दिल्ली के बाजार जगमगाते इलेक्ट्रॉनिक फैंसी सजावटी सामान बंदरवार से रौनक बिखेर रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाजार में एक से एक बढ़कर एक आकर्षक सजावटी सामान की बिक्री की जा रही है और तरह तरह के डिजाइनर बंदरवार प्रवेश द्वारों पर लगने वाली झूमर, सरीखे, झालर, छतों और दीवारों पर लटकने वाले चमकदार कंडीली, तरह तरह से पोस्टर, रंग बिरंगी पट्टियां, फूलों के साथ साथ आर्टिफिशियल मालाएं, आकर्षक मोमबत्तियों से लेकर डिजाइनर दिए भी लोगों को भा रही है। अलीगढ़ में दीपावली के पावन पर्व पर चीनी पटाखों पर पूर्ण तरीके से बैन लगा हुआ है, जिसके बाद चलते मार्केट में चाइनीज पटाखे भी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को देखते हुए लोग ग्रीन पटाखे खरीद रहे हैं। वहीं ADMCT ने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दमकल विभाग भी तैनात नजर आ रहा है। जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री लोकल टू वोकल की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था सुधारने की बात करते हैं, उसी आधार पर हम लोग ग्रीन पटाखों का प्रयोग कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग करा जा रहा है। एनवायरनमेंट को देखते हुए जिस प्रकार से पॉल्यूशन है उसको आधार बनाते हुए ग्रीन पटाखों का विशेष जोर दिया गया है और हम लोगों की यही कोशिश रही है कि हम लोकल माल का इस्तेमाल करें, ना कि चाइनीज माल का इस्तेमाल करें, जिस आधार पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो सके। पटाखे लेने आए हैं बच्चों के लिए, ग्रीन पटाखे लेने आए हैं जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, कि दिवाली का त्योहार भी मन जाए और बच्चों की खुशी भी हो जाए। इसलिए गोंडा के कनेलगंज में एक बार फिर मिठाई कारोबारी का आतंक चरम पर है। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा पारा के पास बना मिठाई प्लांट में हाइड्रा जैसी जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल मिठाई बनाने में किया जा रहा है। साथ ही मिठाई प्लांट में नाबालिग बच्चे भी काम करते हुए दिखाई दिए और घरेलू सिलेंडर का भी उपयोग किया जा रहा है। वहीं गाँव वालों ने बताया है कि प्लांट से निकलने वाले गंदे पानी से लोगों की बीमारियां फैल रही हैं, इससे कैंसर होने की भी संभावना पाई जाती है। साथ ही गाँव वालों ने इसकी शिकायत कई बार फ्रूट विभाग को लिखी है, लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं दिखाई देता है। दीपावली को लेकर महापौर प्रमिला पांडे की ओर से खुले मैनहोल पानी और टूटी सड़कों को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि महापौर प्रमिला पांडे दीपावली के मौके पर जल संस्थान पर पहुंची, जहां उन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में भी जाना और सभी को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। वहीं शहर में खुले मैनहोल को लेकर उन्होंने कहा कि अगले दो दिनों में सभी मैनहोल को ढककर लगवा देना है और साथ ही ऐसे इलाके हैं जहाँ पानी की आपूर्ति नहीं है, वहाँ पर टैंकर की व्यवस्था कराई जाए। देखिए, एक तो हमारा ये था कि हम जल संस्थान में जाएं और अपने जल संस्थान परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दें, उसके बाद इन लोगों को काम दें। मुझे ये पता करना था सबकी तनख्वाह मिल गई कि नहीं सबको, तो यहाँ मैं बधाई देना चाहती हूँ जल कर के प्रबंधक महोदय के, सबका बता रहे हैं कि सबके तनख्वाह मिल गई, सब प्यार से अपना दीपावली मनाएंगे और दीपावली की भी हमने उनको लोगों को बहुत बधाई दी और उसके साथ इनको हमने काम दिया। काम ये दिया कि दो दिन के अंदर में जितने मैनहोल खुले हैं, जहाँ एकदम बस्ती है या मलिन बस्ती है, सब में ये ढक्कन लगाएं और पानी व्यवस्था हमेशा करें और अगर जहाँ पानी न मिले वहाँ टैंकर की व्यवस्था, जहाँ रोड खुदी है उसको अगर जल संस्थान ने खोदा है तो उसको पाट करके और उसको पानी डलवा, नगर निगम की है तो नगर निगम से भी कहेंगे कि जहाँ खोदे उसको पाट के एक बार समथन कर।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिवाली पर 4 दिन की छुट्टी को लेकर हिंदू महासभा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि दीपावली पर देश के सभी शिक्षण संस्थानों में 4 दिन की छुट्टी हो। वहीं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई है कि भारत सनातन की भूमि है और सनातन के त्यौहार में दीपावली एक महान पर्व है जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसको लेकर मांग की गई है कि पूरे देश में पर्व का समान रूप से अवकाश घोषित किया जाए। मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग की है कि भारत सनातन की भूमि है और सनातन के पर्व त्योहारों में दीपावली एक महापर्व है जो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है और सभी सनातन धर्मावलंबी इसको मनाते हैं। तो हमने मांग की है कि पूरे देश में इस पर्व का समान रूप से अवकाश घोषित किया जाए। दीपावली 4 दिन का पर्व है, छोटी दीपावली, दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन, ये 4 दिन के अवकाश केंद्रीय अवकाश सूची में डाले जाएं। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 बदमाश थाना देवबंद पुलिस पर फायरिंग करते हुए जटोल से मझोल जाने वाले रास्ते की ओर फरार हो रहे थे कि पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक बदमाश घायल हो गया। साथ ही बदमाश के अन्य 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश थाना बड़गांव का हिस्ट्री शीटर है, जिसके कब्जे से पुलिस ने 1 तमंचा, 4 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, 315 बोर, 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। फिलहाल पुलिस फरार अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है। धनतेरस की पूर्व संध्या पर रात्रि में पूरे जिले में नकबजनों की और लुटेरों की सत्यापन का अभियान चला था। इस दौरान पुलिस पार्टी क्षेत्र में गश्त पे थी। इसी दौरान थाना देवबंद में 3 संदिग्ध युवक एक मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए, जिन्हें चेकिंग के लिए पुलिस ने जब रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया। जवाबी कार्रवाई में एक फारूक नाम का युवक पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और उसकी जब पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक लूट और डकैती के मुकदमे हैं और थाना बड़गांव का स्टेशनर अपराधी भी है। बदायूं के थाना वजीरगंज इलाके में प्रधान शिवचरण की निर्मम हत्या से इलाके में कोहराम मच गया है। बताया जा रहा है कि निर्मम हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है, साथ ही हत्या के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जनपद बदायूं के थाना वजीरगंज अंतर्गत लखनपुरा गाँव के ग्राम प्रधान शिवचरण लोधी अपने यहाँ घर पे बाहर कमरे में, जिसमें दरवाज़ा नहीं है, सोए हुए थे। रात में किसी ने कुल्हाड़ी से वार करके इनकी हत्या कर दी है। परिजनों से तहरीर ली जा रही है। प्रथम दृष्टया इनका एक गांव के ही नन्हे लोधी से विवाद होना बताया है। इस संदर्भ में थाना वजीरगंज में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर में एक बार फिर से रिश्ते शर्मसार हुए हैं। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में सगे भाई ने भतीजे पर फावड़े से हमला कर दिया है, जिसके बाद परिजनों ने घायल को बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। चल रहा था, उठा गया था, तो जमीन का मामला था, तो हमारे पिताजी आए प्रधान जी से बात करके, यहाँ से चौकी पर से गए, बोल रहे थे कि चलाना है दीवार, तो मैं गया साफ करने लगा। फिर वो उनके लड़के वहाँ पे काम कर रहे थे, ऊपर बोले कि अभी काम नहीं होगा। हमने कहा कि प्रधान जी जब बोल दिए हैं काम करने के लिए तो क्यों नहीं काम होगा। इसी पर वो सब वो दोनों उनके लड़के नीरज और धीरज आकर हमारा जो नई गड्ढा खुना गया था वो आके बाहर आने लगे, तो पिताजी गए वो उनको रोकने, तो फावड़ा से मारने लगे करके। तो वहीं मौके पे मौत हुआ इलाज के दौरान? नहीं, इलाज के दौरान। क्या नाम था उनका? इनका जो मरे मृतक हैं श्री महावीर चौहान। कहाँ घर है आप लोग का? और कौन कौन मारे थे? धीरज और नीरज और इनका पिताजी मंगल। दो ही लोग? 3 लोग। क्या नाम है आपका? उमा शंकर। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जनेतपुर धरौरा के पास हाईवे किनारे कुछ दिन पहले बिना सिर के युवक का शव मिला था, जिसके शिनाख्त पुलिस ने कानपुर देहात जनपद के थाना डेरापुर कलेनापुर निवासी प्रमोद कुमार के रूप में की है।
बताया जा रहा है कि पशुओं ने 26 अक्टूबर को युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद एसपी की गठित तीन टीमें मामले के खुलासे में लगी हुई थी और पुलिस ने 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की, जिसके बाद संदिग्धों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं संदिग्धों की निशानदेही पर मृतक प्रमोद का सिर कपड़े हत्या में प्रयुक्त खुरपा समेत बाइक बरामद की गई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक शताब्दी होटल के पीछे एक अज्ञात पुरुष का शव मिला था, जिसका सर नहीं मिला था उस समय, जिसके क्रम में टीम्स गठित की गई थी। पहले तो जो शनाख्त नहीं हो पाई थी, इसमें अभियुक्तों ने जो मृतक है उसकी पहचान छुपाने के लिए उसके कपड़े भी हटा दिए थे और इसके शव भी सर भी कहीं दूर फेंका था। इसमें कल एक क्लू मिला, जिसमें ये पता चला कि थाना डेरापुर कानपुर देहात का एक कलेनापुर का रहने वाला प्रमोद कुमार ये 23 तारीख को अपने घर से गया था और तब से वापस नहीं आया है। अपनी काली स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से गया था, जिसके बाद 26/10/2023 को थाना डेरापुर पे इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। कोतवाली औरैया और SOG को जब इसकी सूचना मिली तो तत्काल इसकी डिटेल्स कलेक्ट की गई। परिवार की विभिन्न रंजिश और क्या क्या कारण हो सकते हैं इस प्रकार की घटना के लिए, उसको देखा गया, उसकी छानबीन की गई और मृतक की पहचान का पूरा प्रयास किया गया। बुलंदशहर में नीमखेड़ा के पास पुलिस और गैंगस्टर बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर बदमाश पर चोरी डकैती समेत अन्य मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने बदमाश के कब्जे से तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और एक चोरी की गई बाइक बरामद की है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।